तो स्वागत है आपका फ्रेश और एक्साइटेड वीडियो पर। आज 8:05 हो गए हैं, डेट है 19 सितंबर। गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मोटर ब्लॉगिंग की, जो कि आप देख रहे होगे आज, मतलब आज देख चुके होगे, उसके बाद ये वीडियो देखने आए होगे आई होप। तो उसमें कुछ हो गया था लफड़ा, क्योंकि इसमें माइक, बताया था मैंने पहली की पहली वीडियो में भी कि इसमें माइक लग नहीं पाता। लग तो जाएगा, बाकी बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे और फोन फिर बैलेंस करना थोड़ा दिक्कत होगी, और ऑलरेडी काफी ज्यादा हैवी है ये, तो इस कारण से मैंने बहुत ज्यादा, मतलब पूरी मोटर ब्लॉगिंग भी करी है कल, तो उसमें आवाज मेरी रही ही नहीं, आवाज ही नहीं आई। मतलब आवाज है बट बाहर का नॉइज बहुत ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा एक ट्रिक से इसको कोशिश करता हूँ कि शायद मैं सुधार सकूँ। तो चलो देखते हैं, आप कंप्यूटर में ले चलते हैं आपको। और गाइस, आज मेरा स्पीकर गया है नीचे भैया के पास। एक्चुअली कल हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा थी नीचे बिल्डिंग के नीचे, तो हमने अब मेरा अपना स्पीकर वहां पे रखा हुआ है, और शायद 9-10 बजे तक वो जगेंगे भैया, तो फिर ले लूंगा मैं जाके। तब तक मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, हेडफोन लगा के एडिट करूंगा, तो मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। और ऐसा करता हूँ, मैं स्पीकर से कनेक्ट करता हूँ, या तो छोटे वाले स्पीकर से कनेक्ट करके देखता हूँ, अगर साउंड सही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब वो स्पीकर आ जाएगा तो ये आपका एडिट करके दिखाता हूँ। तो गाइज, मैं कोशिश कर चुका हूँ वॉइस हटाने की, हट नहीं रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉइस है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरी तरकीब करते हैं, क्योंकि भाई मेहनत तो काफ़ी लगी है, वीडियो काफ़ी अच्छी आई है, तो मैं नहीं चाहता कि वो बिगड़ जाए। तो अपन तो हैं फिल्मोरा में, आप सब देख पा रहे होगे, वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास ये बोया का माइक है ना, मैं इसका काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, बट ठीक है, आज बहुत दिन बाद ही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब है मेरे पास, बस यूज नहीं करता हूँ इसका काफ़ी। इसको डायरेक्ट यहीं पे प्लग एंड प्ले है, कंप्यूटर में प्लग करा, और ये जुगाड़ है, ये इसने लगा दिया है ताकि मेरी, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस बनी रहे, आवाज़ अच्छी है, क्रिस्प एंड क्लियर। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी सैमसंग के माइक का कुछ जुगाड़ करूँ, Note 10 Plus में। बहुत अच्छी कोई मुझे वीडियो दिखी भी नहीं, और ये गरीब का कंप्यूटर नीचे टूटा हुआ है। तो अपन ऑडियो इसमें डालते हैं, तो उसका मैं आपको टाइम लैप्स प्ले कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, मज़ा नहीं आएगा वैसे। और थोड़ी बहुत कलर करेक्शन वगैरह जो करूंगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में फिल्मोरा में बहुत ही कम एडिट करता हूँ, अधिकतर फ़ोन से ही एडिट करता हूँ, क्योंकि भाई कंप्यूटर में आके डालो और कंप्यूटर की ग्राफिक इतनी लुल्ल है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये 11 मिनट की वीडियो है अभी इसमें, तो मैं रेंडर करता हूँ तो आप देखो कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट 26 सेकंड टाइम लगेगा इसको रेंडर होते, और एक एडिट भी कुछ भी कहीं पर कट कर दिया तो वापस से 16 मिनट लगेंगे, है ना। तो इस तरह करके बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ऑडियो को मतलब क्रिस्प एंड क्लियर रखने के लिए इसमें एडिट करना सबसे अच्छा रहता है। तो करके देखते हैं, तो वो आपके लिए मैं टाइम लैप्स में प्ले कर दूंगा। तो गाइस, कंप्लीट एडिटिंग चुकी है, वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, 11 मिनट लग चुके हैं, 7 मिनट अभी और लगेंगे, 6-7 मिनट। और मैंने GPU एक्सेलरेटेड वीडियो इनकोडिंग भी ऑन कर दिया है, तो उससे थोड़ा सा फास्ट हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये 13 मिनट के समथिंग वीडियो है, और इसके लिए 15-16 मिनट, कितना हो गया, 20-22 मिनट आराम से लग जाएंगे, आधे घंटे। और मैं जो पुरानी वीडियो थी उसमें, क्या मैं फ़ोन से अपलोड करता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती नहीं हैं, तो मैं कंप्यूटर में आके फिर बाद में एडिट करता हूँ, एक दिन बाद जो बोल देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वो अगले दिन मैं अपलोड करता हूँ, तो बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं तब तक। तो बस ठीक है, काम पूरा हो गया है, अभी 10 बज रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरे यहाँ पे बहुत सारे पपीज हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं नीचे साइड, तो वो बहुत ज़्यादा भौंकते रहते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी हमेशा आपको ऐसी ही मिलेगी, ठीक है बेचारे, वो भी क्या करें। तो गाइस, अभी मैं नहाऊंगा, थोड़े से बर्तन, खाना। गाइस,
सुबह से बहुत कुछ काम था और आज संडे होने के बावजूद भी कोचिंग है तो कोचिंग जाना पड़ रहा है। मास्क वहाँ पे रखा है, मास्क पहनेंगे फिर जाएंगे। बैग रेडी हो गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं भंवर कुआं पे ही था, वहाँ से आया हूँ और अब मुझे निकलना है। 4:30 हो रहे हैं, आज 5 बजे से ही क्लास है तो शूज़ पहनना पड़ेगा। शूज़ क्यों पहनेंगे? और आज मैं स्कूटी लेकर नहीं जाऊँगा, आज मैं बस से जाऊँगा। कारण ये है कि पेट्रोल 110 रुपये है पहली बात तो। दूसरी बात, मेरा बस का कार्ड बना हुआ है। और बाइक में ऐसा था कि अभी थोड़ी दिन पहले इंजन खुला था उसका, मुश्किल से 200 किलोमीटर चली है तब से। तो उसने बोला था कि अभी थोड़ा दिन चलाओ, फिर मतलब इसको 500 किलोमीटर चला दो, उसके बाद सर्विस कर लो, फिर चलाते रहो, ऐसे दिक्कत नहीं होगी। क्या जस्ट अभी इंजन खुला था तो इसलिए मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। बोला 500 से 1000 किलोमीटर तक की बात है, तो मैं कहा हो जाएगा, मतलब 5-6 दिन में 200 किलोमीटर चल गई तो खूब है, बहुत है। तो अब चलते हैं बस से, क्या कि उससे थोड़ी हेल्थ भी बन जाती है। यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट पैदल चलना पड़ता है, तो वो ठीक है मेरे को। मतलब मैं अपना सेटअप जमा रहा था आज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो स्पीकर लग चुका है, नीचे गया हुआ था गणेश जी की पूजा में आ गया है ये। आज मॉनिटर भी कनेक्ट कर लिया हूँ, ये आ गई है नई HDMI केबल। सुबह दिक्कत हो रही थी वीडियो एडिट करते समय। ये लैपटॉप अभी काम कर रहा है, अच्छे से तो नहीं पर काम हो रहा है। कुछ सालों में या मे बी नेक्स्ट ईयर में इसको अपग्रेड करूँगा। एक्चुअली मुझे थोड़ा ग्राफिक वाला चाहिए लैपटॉप, इसके प्रोसेसिंग पावर भी ठीक हो और ग्राफिक भी हो, तो ऐसा तो बता दूंगा आपको। ये मेरा गिम्बल पड़ा हुआ है, गिम्बल का यूज़ भी करेंगे ये माइक। हाँ, इसका मैंने जुगाड़ कर लिया है सैमसंग Note 10 Plus में। अगर बाहर जाता हूँ तो ऑडियो कैसे आएगी, उसका जुगाड़ कम्प्लीटली हो गया है। मैं भूल गया था मेरे पास ये रखा हुआ है सैमसंग का अडोप्टर है ना, और सैमसंग Note 10 Plus Note 20 Plus इसमें सैमसंग का ही ओरिजिनल अडोप्टर काम करता है, बाकी कोई अडोप्टर काम नहीं करता है। नीचे गणपति जी का विसर्जन हो रहा है, काश मैं ज्वाइन कर पाता बट क्लास है आज तो हो नहीं पाएगा। और आज की जगह शायद कल छुट्टी मिल सकती है, अगर सर कहीं नहीं जाते तो छुट्टी मिल जाएगी, मतलब सर कहीं चले जाते हैं तो छुट्टी मिल जाएगी। तो ठीक है, कल मेरा पेपर भी है तो इसलिए मैं आज ज़्यादा मेहनत किया नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ और वीडियो में मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको फिर भी पसंद आएगा। अभी जाता हूँ कोचिंग, कोचिंग से लौटते समय कुछ 2-4 अच्छा बातें करेंगे, एडिट करके फिर अपलोड कर देंगे। और लगातार ये चौथी वीडियो होगी मेरी लगातार, तो गाइज इसके लिए 1 लाइक तो बनती है यार। और हाँ, आने वाले 2 दिन वीडियो नहीं आएगी, कल तो वीडियो आ जाएगी क्योंकि कल के पहले मैं एडिट करके अपलोड में लगा दूंगा, आज रात को ही अपलोड कर दूंगा इसको, तो कल वीडियो 110% आ जाएगी। बट दिक्कत ये है कि कल मेरा पेपर है तो कल मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। ये आ गया हूँ मैं अपनी मेन जगह पे, नॉर्मल सा टायर, ये ब्लैक शर्ट जो कि आपको हर ब्लॉग में दिखता है, ये लोअर जो कि हर ब्लॉग में दिखता है, एकदम से ही बजट फ्रेंडली ब्लॉग है ये। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको लौट कर वहाँ। तो दिस इज़ नेक्स्ट डे, थोड़ा सा एंडिंग पार्ट रह गया था तो वो एंडिंग पार्ट अभी शूट हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना HDMI केबल वगैरह चेंज कर दिया हूँ, तो ये यहाँ लिम्बोदी गेट के सामने प्रियांशी कम्युनिकेशन है, उनके यहाँ से लिया पॉट्रॉनिक्स का, तो आप जाके ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बड़ी ब्रेडेड वायर है तो आप जाके ले सकते हो। और भैया के यहाँ से एक चीज़ और लाया हूँ, ये माइक है, एकदम लोकल सा माइक है ना, UNI पता नहीं है ना, लोकल सा है। इसको मैं अपने फ़ोन में लगा के अभी चेक करूँगा, अगर क्वालिटी सही आ रही है तो फिर बाहर जाने में मज़ा आ जाएगा। वो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में इसको हेलमेट के अंदर परमानेंट लगाना था, इसीलिए मैं सस्ता सा लेकर आया हूँ कि चेक करके देखते हैं, अगर कनेक्ट हो रहा है, काम हो रहा है तो फिर मैं अच्छा सा अपग्रेड कर दूंगा। वैसे भी मेरे पास बोया का पड़ा हुआ है। तो गाइज वीडियो बस यहीं तक है आज की। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कल एक फाड़ वीडियो आ सकती है, अगर नहीं आई तो परसों नरसों 2 दिन का इंतज़ार कर लेना, एग्ज़ाम के जस्ट बाद, पेपर पेपर के जस्ट बाद वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही गजब की वीडियो आने वाली है और शॉर्ट्स भी आने वाले हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखो। और स्टॉक्स की न्यूज़ जानते रहना है तो उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब करके रख दो, स्टॉक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे सकता हूँ मैं।
और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, तो आप जाके मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। मेरे पेज के बारे में जिनको नहीं पता है, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज है गुगली डील्स नाम से, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए वो ओपन बॉक्स प्रोडक्ट है, फुल वारंटी, फुल GST बिल, जो कुछ भी कंपनी की तरफ से आता है सब कुछ आपको दिया जाएगा। अगर आप इंदौर से हैं तो आप DM कर सकते हैं, सेम डे डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप बाहर से हैं तो डिलीवरी चार्ज वगैरह जो भी होगा आप मुझे DM करो, उसमें मैं बात कर लूँगा आपसे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।